श्रृंगार से खोल करके कहने लग जाता है कि भैया समय प्लेटो खागी, अब पता नहीं क्या होता क्या हो। पुत्र भीतर बड़गो साथ स्नापर को दीपक बंद हो गो, आपा भीतर जाना कौन यार, अब मन की सहायता करना। छह डोडी भीन देगो तो सातवा को ऊपर जाकर के अभिमन्या को बात फाड़ से भारी बनेगी। अब जिंदो या बचनो को यार अपना सुसहायता होनी। चारू के चारू भाई सारी सेना सोच विचार असमंजस में डूब गई, लेकिन कोई दौत बनवा मा हुई कोन्या। दूसरी डोडी को पर कृत वर्मा से युद्ध कर रहा था, 363 बाण मार करके कृत वर्मा को मूर्छा गति में करके बेहोश करके, और अभिमन्या तीसरी डोडी को पर जाता है जहां पर कर्ण खड़ा हुआ था। कर्ण को देख करके और अभिमन्या को बगबग हंसता है। कर्ण बगबग हंसता है, ओहो मैं तो यह सोचा तो मेरे बरोबर का लड़ी बड़ा होगा। मैंने कहता कि पांडव अपने बच्चों को माफ कर देगा क्या? कह रहे हो माफ करेगा कि पांडव का बच्चा ने? जो जहरीला सांप होता है वो छोटा भी उतना ही होता है तो बड़ा भी उतना ही। अभिमन्या तू जहरीला सर्प है, आया जैसा वापस लौट जा तुम्हारी माता। बोले ओए पागल, छोटा ने छोटो ना समझना चाहिए, छोटा को भी इतना समझना चाहिए जहरीला डंक। मैं तेरे से कमजोर नहीं हूं, तू वही करना है क्या जो भरी सभा के अंदर तेरा मान गठाया था, फिर तेरे को मांगे हो गाँव बस रही हो जा और फिर मेरे सामने बोल रही हो। बोले छोरा तू तो शायद मेरा हिसाब से मरवाई का बुलाव दे दियो। बोले मैं मरबा का बुलाव कौन दे दियो, मैं मारबा का बुलाव दे दियो। आपस में दोनों के घमासान युद्ध होता है, 413 बाणों से, 413 बाणों से कर्ण को घायल करके और अभिमन्या चौथी डोडी को पचला जाता है। जहां पर कृपाचार्य खड़ा हुआ था और कृपाचार्य से युद्ध करता है और युद्ध करते करते 227 बाणों के अंदर घायल करके और पांचवी डोडी को पचला। पांचवी डोडी को पर सल खड़ा हुआ और जब देख करके कहने लग जाता है कि ओ मूर्ख तू नहीं जा सके, मतलब जो तू तेरे देश में रहे तो। दोनों के घमासान युद्ध होता है, कहते हैं कि उन पर बाण नहीं लिखा हुआ है, वहां घमासान युद्ध होने के कारण मूर्छा गति में करके के पड़ जाता है और फिर वो छोरा छठी डोडी को पर चला। जहां पर गुरु द्रोणाचार्य खड़ा हुआ था, छठी डोडी को देख करके गुरु द्रोणाचार्य और एक मन जान करके डोडी को छोड़ता है और सातवीं डोडी को पर चला जाता है। जाकर के दरियाधन से कहता कि दरियोधन दुश्मन कैसे मरे? बोलो दुश्मन का दड़ादड़ दे। बोलो दड़ादड़ में ना जीते तो? बोलो महाराज काया कौन जीते, दड़ादड़ दिया जीते ही गो। अरे बोलो ना जीते तो क्यों है? बोलो ना जीते जन कायरता की बात, पीठ दिखार भाग जाए। बोलो जा मेरा धनी, सारी कजी कराई के पानी फेर दी। बोलो दुश्मन को बैला करके गोदी में बैठाना चाहिए, सिर पुचकारना चाहिए, लाड लगाना चाहिए और फिर मारना चाहिए। जब दुर्योधन कहता है कि नहीं ये तो नेम का अनुरुद्ध युद्ध है। अरे बोलो नेम कैडे रहेगो, दादा भीष्म ने सिकंदिया के किनारे खत्म कर दिया, नेम रहेगो कैडे। जब उसी समय दुर्योधन अपना धनुष बाण नीचे को रख दो और ये कहो कि आओ बेटा दुर्योधन, मैं तो ये जानता था कि क्या तो अर्जुन आएगा, क्या भीम आएगा, क्या नकुल आएगा, क्या सहदेव आएगा और क्या धर्मराज दुष्ट आएगा। मैंने के मालूम मेरा टाबरी मरा से युद्ध करवाटे आर्या से। इसी प्रकार से बैला करके सबको कहता है कि अपना अपना हथियार नीचे को रख दो, मेरा लक्ष्मणा कुमार से अधिक प्यारा पुत्र है, रख दिया जाए। सबके सब हथियार नीचे रखते हैं। जब अभिमन्या ने विचार किया कि कुल क्षेत्र भूमि के अंदर मैदान में युद्ध का नेम किया था, जिस समय यह हुआ था कि सामलो योद्ध हथियार निशान रख दे तो उनके साथ युद्ध करना महान पाप है, मैं भी मेरा हथियार नीचे को रखता हूँ। हथियार नीचे को रखने के पश्चात मैं युद्ध करूं तो किससे करूं? अभिमन्या को पास में बुला करके गोदी में बिठाता है और गोदी में बैठा करके कहता है कि बेटा लड़ने में बड़ा सामर्थ्य है, धन है तेरे पिता अर्जुन को, धन है तेरी माँ सुभद्रा को। ऐसा वीर बलवान जो सात सात महारथियों को अकेला ही बच्चा मूर्छा गति में करके मेरे सामने आ चुका है, धन है तेरी माँ को, धन है तेरी माँ को। लेकिन तू बचनों में कैसा के? बोलो मैं जैसा युद्ध में सामर्थ्य हूँ वैसा ही बचनों में हूँ। बचना में बोले हाँ, तो बोले वचन दो मुझे। वचन देता है और वचन देते समय ही और एक दुर्योधन इमरत में जहर मिलाता है, तो कैसे मिला रहा था?
और किस प्रकार से उस अभय मन्ना कहा से बंधा डोरा को खुलवा रहा था।